हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ओम प्रकाश कुमार। टुडे द टॉपिक इज टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस टॉपिक फ्रॉम चैप्टर वन इन क्लास सेवन ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो we already know that there are some requirements, some necessary requirement for the photosynthesis. Number one is light, number two is chlorophyll, number three is CO2 and water. These all requirements are necessary for the photosynthesis. So our scientist proved that chlorophyll, light and CO2 is necessary for the photosynthesis. So today we are going to discuss about the one activities, that activities number 3 from your page number, from your book on the page number 10. Now the activities number 3 has the aim is to prove that chlorophyll is required for photosynthesis. Chlorophyll photosynthesis के लिए जरूरी होती है, वो कैसे प्रूफ करेंगे? The first you have to take in a potted plant. लेकिन यहाँ पे जो हम लोग potted plant के लिए हैं, और पॉटेड प्लांट्स में स्पेशली दो तरह का प्लांट्स लेंगे हम लोग, या तो मनी प्लांट या जो है क्रोटॉन, क्रोटॉन का प्लांट लेंगे। मनी प्लांट या क्रोटॉन के प्लांट्स में खासियत यह होती है कि मनी प्लांट या क्रोटॉन के प्लांट की जो लीफ होती है, वह लीफ उसमें कहीं कहीं पे मनी प्लांट का यदि देखेंगे कहीं कहीं पे येलो कलर का उसमें येलो कलर होता है, और कहीं कहीं पे ग्रीन कलर्स होती है, कहीं कहीं पे येलो कहीं कहीं पे ग्रीन होती है। उसी तरह से क्रोटोन का प्लांट भी यदि हम लोग ले रहे हैं तो उसमें कहीं पर वाइट होती है और कहीं कहीं पे ग्रीन होती है। जनरली बीच में जो है वह वाइट होती है और किनारे किनारे ग्रीन कलर होती है। जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहाँ पे वाइट है चाहे येलो है तो वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ये प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें हमें, इस एक्सपेरिमेंट में हमें देखना है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है, उसकी जरूरत है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सपोज दैट कि मनी प्लांट्स के लिए है, मनी प्लांट्स या इजीली अवेलेबल हो जाता है, हम लोग घर के जो है ना बाहर लगाते हैं तो लगभग हर किसी के घर में ही होता ही है, या मनी प्लांट्स। तो उसमें मनी प्लांट्स एक इम्पॉर्टेंट मनी प्लांट्स ले लिए हैं, उसकी लीफ जो है ना कहीं पे येलो है कहीं पे ग्रीन है, उस तरह की लीफ को कहा जाता है वेरिकेटेड लीफ, दैट लीफ इज कॉल्ड वेरिकेटेड लीफ। अब उस इम्पॉर्टेंट प्लांट को हम लोग डार्क में रख देते हैं, कीप इन डार्क फॉर 24 to 48 आवर्स, अप्रोक्स 48 आवर्स के लिए ही रखते हैं। उसके बाद 48 आवर्स के बाद उस प्लांट को, पॉटेड प्लांट्स को उस डार्क से निकाल लेते हैं और उसमें फिर वाटर ऐड कर देते हैं, और इस प्लांट्स को हम लोग सनलाइट में डायरेक्टली रख देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उसे जो है इस पॉटेड प्लांट को डायरेक्टली सनलाइट में रख देते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। और इस किसी एक लीफ का, इस प्लांट की किसी एक लीफ का हम लोग कलर फोटो जो है ना उसको कलर फोटो इसका रख लेंगे। अपने के पास कैमरा है, मोबाइल में है या कैमरा है कहीं पर भी है कुछ भी, तो उससे हम लोग इसका एक फोटोग्राफ ले लेंगे एज ए सैंपल के रूप में। उसके बाद इस प्लांट को हम लोग रख दिए हैं सनलाइट में 6 to 8 आवर्स के लिए। 6 to 8 आवर्स के बाद इस लीफ को तोड़ेंगे और इसे बॉइलिंग वाटर में रख देंगे, वाटर को बॉयल करेंगे और उसमें इस लीफ को रख देंगे। बॉयल करने के बाद
फिर इस लिक्विड को इस बॉइलिंग वाटर से निकालेंगे और इसको बॉइलिंग अल्कोहल में इसको रख देंगे। बॉइलिंग अल्कोहल में रखते हैं ताकि क्लोरोफिल इसमें से रिमूव हो जाए, फॉर द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है वो कंप्लीट रूप से रिमूव हो जाए। उसके बाद उस लीफ को हम लोग, जब यह लीफ कलरलेस हो जाएगी उस लीफ को निकालेंगे और इसे हल्का ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इसमें हम लोग आयोडीन का सोल्यूशन ऐड कर देंगे, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। जब आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे तो उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे कि कुछ जगह पर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर है एंड कुछ जगह पे कोई कलर अपीयर नहीं है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, जो यहाँ पे इसका फोटोग्राफ लिया था, इस लीफ का फोटोग्राफ जो लिए थे उस लीफ के फोटोग्राफ से और इस पे जो कलर आई है कहीं पे कलर नहीं है, इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जिस जगह पे ग्रीन कलर थी वहां पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुई है, जहां पे येलो कलर थी वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इससे यह प्रूफ होता है कि ग्रीन कलर जहां पे थी वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च प्रेजेंट होने के चलते जो है जब आयोडीन सोल्यूशन डाले तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो गया। जहां पे येलो कलर थी वहां पे कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं थी उस जगह पे, जो है वह क्लोरोफिल नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ एंड स्टार्च का फॉर्मेशन भी वहां पर नहीं हुआ। तो जब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वहां पर जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डाले तो कोई भी कलर अपीयर नहीं हुआ, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, नो चेंज हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, थैंक यू।